जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आरआरसी सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2019-2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये भर्ती निकाली गई है 2562 पदों के लिए, जिसमें कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और इसमें आपका सिलेक्शन सिर्फ आपकी मेरिट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो मार्क्स आपने दसवीं और आईटीआई के अंदर प्राप्त किए हैं उसको मिलाकर के आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और मैं आपको ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको आने के बाद क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जिसमें दिया जा रहा है प्लीज सिलेक्ट द स्टेट यू बिलोंग टू, यानी कि किस स्टेट से आप इस फॉर्म को भर रहे हो। तो यहां से आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। फिर आता है आधार कार्ड नंबर, आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड, यानी कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आपको यहाँ पर ये चूज करना है, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया तो आपको इसके ऊपर टिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर आधार इनरोलमेंट नंबर देना होगा। बेसिकली कहा जाए तो इसमें आपको आधार की जानकारी देनी होगी, तो मैं यहां से आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट करता हूं और फिर यहां पर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे कैंडिडेट फुल नेम, जो भी आपका पूरा नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है और ये नाम आपको दसवीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एंटर फादर्स हस्बैंड नेम, यहाँ पर आपको अपने पति या फिर अपने पिता का नाम देना है और जो नाम आप यहाँ पर भरोगे ये आपको एज पर जो आपकी दसवीं की मार्कशीट है उसके अनुसार भरना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे सरनेम, तो यहाँ पर आपको उनका सरनेम डाल देना है। फिर आता है फादर हस्बैंड नेम। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप नाम भरोगे ये नाम आपके जो अन्य डॉक्यूमेंट है उसके अनुसार आप भर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए आपको फर्स्ट नेम डालना है, इसके बाद अगर मिडिल नेम है तो डाल देना, नहीं तो खाली छोड़ देना है, और यहाँ पर आपको लास्ट नेम डाल देना है। मैं यहाँ पर फिर से क्लियर कर दूँ कि जो आपने अपना पूरा नाम भरा है और इसके सामने जो आपके पति या फिर पिता का नाम का ऑप्शन है, ये जो नाम आपने भरा है ये आपको दसवीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है, और जो नीचे नाम दिया जा रहा है फादर हस्बैंड नेम ये आपको अन्य डॉक्यूमेंट के अनुसार भर देना है। अगर दोनों जगह पर नाम सेम है तो आप यहां पर दोनों जगह सेम नाम भर सकते हो, जैसे कि आप यहां पर वीडियो में भी देख पा रहे हो। फिर इसके बाद आता है जेंडर, आपका जेंडर क्या हो यहां से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी कास्ट कैटेगरी यहां पर सिलेक्ट करनी है, आपकी जो भी ईमेल आईडी है यहां पर आपको डाल देनी है, आपका जो वर्किंग मोबाइल नंबर है यहां पर आपको देना होगा। मैंने यहां पर एक रैंडम नंबर भरा है जो कि मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं नहीं जानता यह नंबर किसका होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ पर आना है और यहां से आपको सबसे पहले अपना जो बर्थ ईयर है वो आपको चूज करना है। इस तरह से आपको बैक में जाना है और फिर यहां से आपको अपना मंथ सिलेक्ट करना है और यहां से आपको डे सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आर यू फिजिकली हैंडीकैप, क्या आप फिजिकली हैंडीकैप यानी कि विकलांग हो, अगर आप हो तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और वार्ड ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल, अगर आप हो तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। सिलेक्ट आईटीआई क्वालिफिकेशन एंड ट्रेड यू विश टू अप्लाई, यानी कि यहां पर आपको अपनी आईटीआई क्वालिफिकेशन चूज करनी है। सबसे पहले तो आपको यहां पर ट्रेड चूज करना है कि आप किस ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हो। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर ट्रेड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको फिटर जो भी आपका ट्रेड है वो यहां पर आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेना है। अब ये सब करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक करनी है, और चेक करने के बाद आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी इन सभी जानकारी का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। आपको नीचे आना है और यहां पर आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके बाद आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपको एक मैसेज और मेल भेज दिया जाएगा जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जानकारी दी गई होगी। तो यहाँ पर दिया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, योर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड ओटीपी इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपकी जो डिटेल है वो आपको ईमेल के ऊपर भेजी है और एक ओटीपी आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल में भी देखने को मिल जाएगा। अब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक
करने के बाद यहाँ पर आपको जो आईडी मिली है वो यहाँ पर आपको डालनी है, और जो पासवर्ड आपको दिया गया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर दिया है वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको एक आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और फिर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कि आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है, और अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। सबसे पहले जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड फिलअप करना है, और वही पासवर्ड आपको दोबारा से डाल करके कन्फर्म कर देना है, और इसके बाद आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिर से होम पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, और साथ ही जो पासवर्ड आपने अभी चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और उसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे दिया है क्लस्टर अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप किसके लिए कहाँ पर आप आवेदन कर रहे हो। तो यहाँ से आपको वो सिटी या फिर वो शहर चूज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिया है सिलेक्ट यूनिट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि आप किस यूनिट को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। आपको इस तरह से क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर उसके सामने क्लिक कर देना है। अब ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी। सबसे पहले दिया है बोर्ड एग्जाम अथॉरिटी, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है आंध्र बोर्ड, केरला बोर्ड, CBSE या फिर अदर। तो यहाँ पर मैं अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अदर सेलेक्ट करने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम अथॉरिटी नेम यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर मैं महाराष्ट्र बोर्ड फिलअप कर देता हूँ। ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको बेसिकली अपने स्कूल का नाम देना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर पास की थी अपनी 10वीं क्लास, वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो चलिए मैं यहाँ से 2013 फिलअप कर देता हूँ। SSC और इक्विलेंट मार्कशीट नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट का नंबर देना होगा। तो चलिए ये नंबर यहाँ पर मैंने फिलअप कर दिया है। फिर आता है सिलेक्ट सब्जेक्ट, बेसिकली यहाँ पर आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के टोटल नंबर और उसमें आपको कितने आए थे उसकी जानकारी देनी है। जैसे कि मैंने पहले तो कुछ नंबर यहाँ पर पहले ही सेव कर लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक सब्जेक्ट सेव करके बताता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको चूज करना है कि आपके पास 10वीं में इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट थे। तो यहाँ पर मैं अभी सेलेक्ट करने वाला हूं ड्राइंग। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो और नीचे दिया है मैक्सिमम मार्क्स, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं। तो जो कि मैक्सिमम मार्क्स 100 थे उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। और ये करने के बाद आपको ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपके जो भी 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, और जो आपके टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें से आपको कितने आए थे और आपकी परसेंटेज क्या है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिर नीचे आती है एड्रेस डिटेल, यहाँ पर आपको अपने परसेंट एड्रेस की जानकारी देनी है, आपको पिन कोड भरना है, और आपको अपनी सिटी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर देना होगा। अब आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल, जो कि है आपकी ITI की, जो कि हमने फिटर के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो फिटर की ही हमारे पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर दिया है ITI ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी ITI पास की थी वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी आपकी कौन सी थी वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। अब ये करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपको अपने इंस्टीट्यूट का पूरा नाम यहाँ पर देना है। मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये करने के बाद आप देखोगे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC नंबर, यहाँ पर आपको अपना NTC नंबर देना होगा। इसके बाद आप देख लीजिए मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स देने होंगे आउट ऑफ इन ITI, यानी कि ITI के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। तो ये चलिए मैं यहाँ पर 500 फिलअप कर देता हूँ, उसमें से आपको कितने प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। ये करने के बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है वो आपको चेक कर लेनी है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, और आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा जो कि है डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, और अपलोड करने के लिए आपको
सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर एक आपको रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करते हो तो आता है फाइल हैज़ बिन अपलोडेड, तो आपको उसको क्लोज करना है। फिर आपको सेम तरीके से अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। आपको यहाँ से फाइल सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ये फाइल भी अपलोड हो जाएगी। फिर नीचे आप देख पा रहे हो स्कैंड कॉपी ऑफ SSC यानी कि 10वीं या फिर उसके बराबर की मार्कशीट की डिटेल, तो यहाँ पर दिया जा रहा है प्लीज सेलेक्ट दी ओरिजिनल स्कैंड SSC यानी कि 10th या फिर उसके बराबर मार्कशीट टू बी अपलोडेड। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है और आपकी जो फॉर्मेट है वो PDF के अंदर होना चाहिए आपकी जो मार्कशीट है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करते तो आता है फाइल हैज़ बिन अपलोडेड यानी कि ये भी आपकी अपलोड हो चुकी है। फिर यहाँ पर आपको नीचे आना और आप देखोगे स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर भी आप 10वीं की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिर से एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। अब इसके बाद आपको जो फाइल अपलोड करनी है ये आपकी स्कैंड कॉपी ऑफ कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर ऑफ द ट्रेड इन विच अप्लाइड यानी कि जिस ट्रेड से आप आवेदन कर रहे हो उसी ट्रेड की आपको सभी सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। आपको क्या करना है उन सभी को एक PDF फाइल के अंदर मर्ज कर लेना है और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर इसके बाद आता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यूड बाई NCVT यानी कि यहाँ पर आपको ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि NCVT या फिर SCVT के द्वारा ऑथोराइज हो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है और सेम तरीके से आपको अपलोड करना होगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। फिर आता है स्कैंड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा और सेम तरीके से करना होगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद चेक करना है कि सही अपलोड हुए या फिर गलत अपलोड हुए हैं, और अगर आपको लगे कि सभी अपलोड सही हुए हैं तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप एक एक करके चेक कर सकते हो, और अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको सही भी कर सकते हो। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए होंगे उनका प्रीव्यू भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, और फिर आपको ये सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है और जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं इनके ऊपर आपको टिक कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर सेम तरीके से प्रोसेसिंग होगी और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होने जा रहा है। ये देख लीजिए दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, और यहाँ पर अब आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है। आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, तो चलिए मैंने यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा जहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है। ये देख लीजिए आपको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा चुका है। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस नेट बैंकिंग SBI या फिर अन्य बैंक, कार्ड पेमेंट SBI या फिर अन्य बैंक के माध्यम से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो कार्ड पेमेंट है वो चूज करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको इसको कन्फर्म करना है, आपको फिर से एक बार इसको कन्फर्म करना है, और ये कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपको अपने कार्ड की जानकारी भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट, ईयर डालना है, कार्ड होल्डर नेम और CVV, और जो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड दे जा रहा है ये आपको फिलअप कर देना है, और उसके बाद आपको पे के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप पे के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, और OTP कन्फर्म करने के बाद आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होते ही आपको 5 से 10 सेकेंड के बीच इसी वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, और फिर आप वहाँ से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप इस फॉर्म को भर पाओगे। आई होप ये पूरी वीडियो और पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2019-2020 भरना है पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ ज्ञान दे होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।